हेलो नमस्कार गुजरात ड्रैगन फूड फार्म की फील्ड पे आप सभी का स्वागत है आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि ड्रैगन फ्रूट के अंदर क्या होता है काफी बार की बारिश के अंदर फ्रूट भीगता है फ्रूट भिगने के बाद क्या होता है फंगस जो रहती है ना वो फूल से होती हुई आप ये फूल देख रहे हैं ये फूल से होती हुई फंगस आगे बढ़ती जाती है और यहाँ से जाके फ्रूट का जो स्टार्टिंग का भाग रहता है ना वहाँ से जाके अंदर जाके फ्रूट को डैमेज करती है और इस तरह से पूरा का पूरा फ्रूट डैमेज हो जाता है तो इसका क्या हमें करना है जनरली हम क्या करते हैं फ्रूट को साफ करने के टाइम पे फ्रूट जब निकाल देते हैं पिंक हो जाता है पूरा निकालने के बाद हम इस फ्रूट को साफ करते हैं आप देख सकते हैं सभी जगह पे ये चीज आपको दिखेगी अगर सामने बारिश है फ्रूट आज सुबह फूल खिले है ठीक है और आप बारिश के बाद उसमें देखेंगे तो आपको फंगस उसमें दिखेगी दिखेगी ही दिखे ठीक है तो हमें क्या करना है तो आइए मैं पहले बता दूं कि हमें क्या करना है क्यों करना है वो चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा आपको पहले मैं ये दिखा दूं पे कि हमें करना क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा हमें ये फूल जो है उसको पकड़ना है चारों ओर से हमें इसको मरोड़ना है अगर इस फूल में मेरे से गलती हो जाए तो मैं आपको दूसरा फूल दिखाऊंगा जरूर प्रैक्टिकली मुझे ये चीज आपको दिखानी है कि ये करना क्यों है ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मैंने ये फूल ऐसे तोड़ दिया है ठीक है सॉरी थोड़ा ब्लर आएगा पर दिखा रहा हूँ मैं आपको देखिए आप ये मैंने निकाल दिया फूल अभी हल्का सा मरोड़ के अभी मैं क्या करूँगा ऊपर का जो ये फूल का भाग है ना यही सिर्फ निकालूंगा और इसमें जो ये मेन नली है ये नली को मैं ऐसे ही रहने दूंगा अभी नली का क्या फायदा होगा कि ऊपर का जो फूल था ना वो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे ये फ्रूट का फूल का जो पीछे का भाग है यहाँ पे थोड़ी बहुत फंगस के चांसेस मुझे दिख रहे हैं दूसरा क्या होगा कि अगर बारिश होगी तो क्या होगा ये फंगस जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी आगे जाएगी और ये एंड पार्ट से लेके फ्रूट के स्टार्टिंग के पार्ट पे जाएगी तो हमने क्या किया आपने देखा कि फूल को ऐसे चारों ओर से मरोड़ के निकाल दिया और ये बीच की नली हमने रहने दी है ठीक है ताकि क्या हो कि इसके अंदर का जो भाग है यहाँ पे पानी भी ना जाए ज्यादातर ताकि फंगस का और आगे इश्यू ना बढ़े ठीक है हमने ये किया क्यों क्योंकि जो फंगस थी ना वो हल्के से होते हुए आगे इसमें बढ़ रही थी ठीक है तो हमने मेन फंगस की जो जड़ थी उसी को वहीं से मिटा दिया अभी आपको ये करना कब है आपने मेरी आगे की भी वीडियो देखी है जब सुबह सुबह में फूल खिले थे ठीक है तो फूल खिलने के बाद ऐसा छोटा सा फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाए अः उसके बाद पाँच एक दिन के बाद मतलब ऐसा छोटा सा फूल खिल आ, खिला हुआ दिखे फ्रूट फूल के पीछे दूसरा मैं आपको यहाँ दिखा दू ये देखो ये फूल अभी पाँच दिन पहले ही खिला था पर इसके पीछे ये फ्रूट बनना स्टार्ट हो चुका है तो इसमें हम वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसको ऐसे आप मरोड़िए फिर इसको इस तरह से मरोड़िए आगे से और यहाँ से मरोड़ के आप इसको हल्के से निकाल सकते हो देखा आपने इस तरह से इजीली आप इस चीज़ को निकाल सकते हो और फंगस का इश्यू भी आपको बीच में नहीं रहेगा दूसरा ये होगा कि ये जो पत्ता है आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पत्ता है ना इसमें पहले से ही थोड़ी बहुत हल्की हल्की फंगस रहती है और दूसरा ये होगा कि बारिश होगी तो इसमें फंगस के चांसेस पत्ते के अंदर बढ़ेंगे सॉरी ये फूल है फूल के अंदर पत्ते बारिश के बारिश की वजह से फंगस के चांसेस बढ़ सकते हैं और इसमें छोटी बहुत वो फुदिया जैसा कुछ बोलते हैं हम जो सफ़ेद कलर की रहती है वो इंसेक्ट इंसेक्टिसाइड जो बोलते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं और शायद हमारे फूल को वो नुकसान करे और फ्रूट को भी नुकसान करे तो उससे पहले हम ये कर सकते हैं कि उस चीज़ को ही यहाँ से निकाल दे ठीक है तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा તો આપને એ સારી ચીઝે હિન્દીમાં સમજી અભી મેં ગુજરાતી વિડીયો જો દેખરે હું લોકો સમજા દઉં કે આજે જે આપણે કરીએ છીએ ને એ એ કામ કરીએ છીએ કે ફૂલની અંદર આ તમે જોઈ શકો છો આ ફૂલ છે ડ્રેગન ફ્રૂટનું આ ખુલ્યા બાદ ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે વરસાદના લીધે આ આની અંદર જે ફંગસ હોય ને એ ધીમે ધીમે કરતાં ફ્રૂટની અંદર ફેલાતી જતી હોય છે અને આપણું જે પૂરેપૂરું ફ્રૂટ છે ને એ ફ્રૂટને ત્યાં એ ડેમેજ કરી દે છે તો આવો એનો શું ઉપાય છે ને એ હું તમને આગળ સમજાવી દઉં મારા અમુક અહીંયા જે ફાર્મ છે તેની અંદર જ તમને બતાવી દઉં પ્રેક્ટિકલી કે શું કરવાનું છે એમ કદાચ આ ફૂલ તોડતી વખતે ડેમેજ આવે તો આપણે બીજા ફૂલ ઉપર શીખીશું પણ શીખીશું જરૂર કે આપણે કરવાનું શું છે આપણે હલકું એવું આ સાઈડથી આને પ્રેશર આપશું હલકું બંને બધી સાઈડથી આપણે થોડું થોડું ફ્રૂટ ઉપર પ્રેશર આપશું જો આ આ ફૂલ તૂટી ગયેલું છે આપણે બીજા કોઈ પણ ફૂલ પર ટ્રાય કરીએ પણ શીખીશું જરૂર આ વસ્તુ કે આપણે કરવાનું શું છે તો આપણે કરવાનું શું છે એ હું તમને કહી દઉં હવે કે જે ઉપરનો જે ભાગ છે ને ફૂલનો પાછળનો ભાગ આપણે એને કાઢી લેવાનું છે અને કઈ રીતે કાઢવાનું છે ને એ હું તમને હવે સમજાવવા જઈ રહ્યો છું અહીંયા આ ફૂલ જરા વધારે મજબૂત છે ઓકે ચારેય બાજુ મરડવાનું છે આને અને આ ઉપરનો જે ભાગ છે ને એને હળવેકથી આ રીતે કાઢી લેવાનો છે તમારે બરાબર છે એટલે શું થાય કે ફૂલના જે પાછળના ભાગમાં જે ફંગસ કાં તો ભીનો જે ભાગ હતો ને આ જે ભાગ હતો ને એ થોડો ફંગસવાળો લાગતો હતો અને થોડો ભીનો હતો ઠીક છે તો આની અંદર જે ફંગસ છે ને એ રહેતા રહેતા આ ફ્રૂટની અંદર ના ફેલાય એ કામ મેં કર્યું અને બીજું એ કર્યું કે ભાઈ આ મેઇન નસને રહેવા દીધી આ મેઇન નસને રહેવા દેવાનું કારણ એટલું કે ભાઈ જો આ મેઇન નસને કાઢી લે તો ફ્રૂટ કદાચ ડેમેજ થઈ જતા બરાબર છે પણ અત્યારે જ્યાં સુધી આ મેઇન નસ છે ત્યાં સુધી ફ્રૂટ ડેમેજ થવાના કોઈ જ ચાન્સીસ નથી અને ફંગસના લીધે ફ્રૂટ ફૂલ પર આવેલી ફંગસના લીધે કાં તો ફૂલ પર આવેલી બેક્ટેરિયલ ડિસીઝના ફંગસના લીધે આપણું જે મેઇન ફ્રૂટ છે એને કોઈ ડેમેજ આવે એના પૂરેપૂરા ચાન્સીસ ઓછા છે તો તમે આખો આખો વિડિયો જોયો તમે જો ગમ્યો હોય તો આ વિડિયોને લાઈક કરજો અને જો કદાચ આ આખી જે પ્રોસેસ મે તમને સમજાવી આની અંદર તમને હજુ પણ ખબર ના પડી હોય તો તમે નીચે આપેલા WhatsApp નંબર પર અમને આ થવા તો આ નીચે આવે આપેલા જે નંબર છે એના ઉપર તમે અમને કોલ પણ કરી શકો તમે અમને WhatsApp પર કરી શકો અમારી ટીમ તમને સમજાવી દેશે કે આ ફૂલ કાઢી નાખવાનો શું મતલબ છે અને બીજી મેઇન વાત કે આ ફૂલ દરેક વખતે નથી કાઢવા પડતા આજે જે તારીખ છે નવ તારીખ છે અને નવ તારીખ દસમો મહિનો અને બે હજાર વીસની સાલ છે તો વેધર ફોરકાસ્ટિંગના હિસાબે તારીખ અગિયાર બાર અને તેર આ દિવસોની અંદર વરસાદની પૂરેપૂરી આગાહી છે અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બહુ જ ફ્લાવરિંગ લાગેલું છે આગળના વિડીયોમાં પણ મેં તમને બતાવેલું કે બહુ જ બધું ફ્લાવરિંગ હતું તો એના લીધે આપણા ફ્રૂટને કોઈ નુકસાન ના થાય એના માટે આપણે દાંડી કાઢી રહ્યા છીએ દરેક વખતે તમારે આ દાંડી કાઢવાની જરૂર નથી આ ફ્રૂટના જે ઉપરનું જે ફૂલ છે આને દરેક વખતે કાઢવાની જરૂર नहीं मेरे जो हिंदी व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बता दूं कि भाई हमने ये निकाला क्यों है क्योंकि बारिश का टाइम अभी आने वाला है क्योंकि आज की तो तारीख है ना वो नौ तारीख है दसवां महीना और 2020 के बीस का दिन है और आपने पहले भी मेरी वीडियो में देखा है कि कैसा फ्लावरिंग लगा हुआ था और वेदर फोरकास्टिंग के हिसाब से तारीख ग्यारह बारह और तेरह के दिन में हेवी रेन के पूरे पूरे चांसेस है तो इसी वजह से हमने इस फूल को निकाला है बाकी अगर फूल खिलते हैं और उसके बाद में आठ से दस दिन तक अगर बारिश नहीं होती है और फूल जो है वो पूरा का पूरा मुरझा जाता है आप आइए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरा फूल मुरझाया कैसा दिखता है आपको अगर मुझे यहाँ पे कहीं मिलता है तो ये रहा आप यहाँ पे देखिए ये पूरा जो फ्रूट है ना उसका ग्रोथ कंप्लीट हो चुका है और इसके ऊपर का जो ये फूल है ना वो पूरा मुरझा चुका है ठीक है तो अभी इसमें फंगस के कोई चांसेस नहीं हो सकते आप देखिए आप दोनों दोनों ही फूलों को कंपेयर कीजिए ये फूल जो है वो थोड़ा गीला है इसमें फंगस के चांसेस हो सकते हैं पर यह फूल जो है ना वो पूरा सूख चुका है आप देखिए यहाँ पे यह पूरा फूल सूख चुका है तो इसके अंदर फंगस आने के चांसेस अभी नहीं है तो आप अगर ऐसे हो चुके फूल जो है वो आठ दस दिन के बाद रिमूव करें ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर ऐसा जो फूल है जो अभी अभी खिला है और पांच दिन के अंदर अंदर बारिश के चांसेस है तो आप इस फूल को निकाल सकते हैं तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी ना लगे तो इसको डिसलाइक कर दीजिएगा पर दोनों ही केसों में हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज ड्रैगन फ्रूट के बारे में दे सके हमारी यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स